परी के हाथ लगे मधुलिका के खिलाफ सबूत, क्या परी कर पाएगी राजीव को बेगुनाह साबित। 200 सीरियल परिनीति में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि परी के हाथ सबूत लग गए हैं और परी की हेल्प की है मधुलिका के एक नौकर ने और परी निकल गई है मधुलिका के घर से। लेकिन परी को डर है कि मधुलिका फिर से उसके पीछे पड़ जाएगी, इसीलिए वो सबूत मधुलिका के नौकर को ही दे देती है और कहती है कल कोर्ट में ले आना। लेकिन तभी परी को पता चलता है कि पुलिस के साथ मधुलिका का पति आ गया है परी का पीछा करते करते, इसीलिए परी छुप जाती है और ये सबूत भी छुपा लेती है। दूसरी ओर नीति बहुत ज्यादा दुखी है, नीति रो रही है। तभी शैली उसके पास जाता है तो नीति अपने आंसू छुपाती नजर आती है। पहले शैली को डाउट था नीति पर कि वो राजीव को करती है प्यार, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है नीति की हालत देखकर। ऐसे में नीति बहुत ज्यादा दुखी है और वो कैसे भी राजीव को बाहर निकालना चाहती है। परी और नीति ने पूरी पूरी कोशिश की कि वो राजीव को बाहर निकाल सके, लेकिन नाकामयाब हुए। लेकिन अब परी ने ठान ली है और परी बन चुकी है जासूस। पहले वो मधुलिका के घर जाती है, सारे सबूत इकट्ठा करती है और वहां से बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन मधुलिका ने अपने पति और पुलिस को भेज दिया है। अब देखना होगा कि मधुलिका का पति परिनीत को पकड़ लेगा और सारे सबूत फिर से छीन लेगा। आपको बता दें परी ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसमें राजीव की जैकेट, जिस ग्लास से उसने पानी पिया था, वो सब शामिल है। आपको बता दें मधुलिका ने राजीव को पिलाया था पानी और उसी में नशे की दवाई मिलाई थी, यानी कि ये सब चाल थी मधुलिका की। ऐसे में अगर साबित हो जाता है कि मधुलिका ने ही ये चाल चली है तो राजीव हो जाएगा बेगुनाह साबित। फिलहाल गवाह ने राजीव के खिलाफ दे दी है गवाही और राजीव अभी भी जेल की सजा काट रहा है। अब देखना होगा क्या परी अपने पति राजीव को बेगुनाह साबित कर पाएगी और शैली क्या नीति को छोड़ देगा, क्योंकि उसे पूरा पूरा यकीन हो गया है कि नीति और राजीव के बीच कुछ तो था। अब देखना होगा क्या परी और नीति मिलकर राजीव को बचा पाएंगे जेल जाने से। क्या लगता है आपको इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और टेलीविजन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स, चटपटी गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।